सभी दोस्तों का हार्टली वेलकम करने के लिए हार्टली थैंक यू। मैं हमारे पूरे एवरग्रीन फैमिली को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आज के दिन में 300 से ज्यादा लोग, इतने बड़ी मात्रा में आप लोग उपलब्ध है, ये गवाही देता है कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। इसलिए तो इस मंच के ऊपर आप यहाँ पर इतनी ज्यादा लोग आए हैं और कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और ये मंच पर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ देता है। ये जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी में कुछ बनाने के लिए, दोनों चीज देता है, जिंदगी बनाने के लिए और जिंदगी में कुछ बनाने के लिए। तो इतना बड़ा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं पहले इस प्लेटफॉर्म को जिसने बनाया है, हमारे उमेश कुमार सर को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। क्यों उसको बारंबार नमस्कार करने को जी करता है और हर बार मैं उसको वंदन करता हूँ, इसलिए वो वंदनीय है कि कहीं सारे लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है, कहीं सारे लोगों को, लोगों के घर में इतना उजाला दे दिया है, इतना खुशहाली दिया है कि ना पूछो बात। कि आज से 1.5 साल पहले हम मायूस हुआ करते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास ये नहीं, हम क्या करें। कोई त्योहार आता है, कोई भी प्रसंग आता है, कोई शादी विवाह का समय आता है, उस टाइम जेब में पैसा नहीं होता है तो तब जाके बहुत ज्यादा हमें तकलीफ रहती है। और उसी उसी तकलीफ के वजह से हमारे पास पैसा नहीं होता था। वजह तो क्या रहती थी सबसे ज्यादा, कि जेब में पैसे ना हो तो मायूसी सब परिवार के ऊपर रहती है, घर में पैसा ना हो तो ये तकलीफें सब रहती है। लेकिन आज की डेट में वो परेशानी सब दूर हो गई है और मायूसी की जगह पर हर परिवार के हर सदस्यों के अंदर उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई है। उसका रीजन ये है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए हम बारंबार उमेश कुमार सर को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमारे डेवलपर और हमारे मेंटर अशोक पुरानी सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका हमारे पास लेके आए, यह ऐसे हमारे लीडर, और इतनी मेहनत की, लोगों के पास जा जाके उसको मीटिंग कर करके उसको बात समझा के समझा के यहाँ तक कारवा खड़ा किया कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी, इतना बड़ा जबरदस्त कारवा खड़ा कर दिया। तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ पुरानी सर को, और आज पुरानी सर हमारे मीटिंग में है और सुन भी रहे हैं, तो मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने हम लोगों को दिया है तो थैंक यू। और इससे ज्यादा और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने अच्छे डेवलपर, जो इतने अच्छे आपने लीडर खड़े किए हैं, कि जो लीडर आपकी बराबरी तो नहीं कर सकता लेकिन आपके कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, ऐसे हमारे सभी लीडर्स और सभी जूम मीटिंग में जितने मेहनत करते सभी लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो सब लोग हैं जिसकी मेहनत की बदौलत आज इतने बड़ा कारवा खड़ा हुआ है। ऐसे हमारे तस्नीम मैम, रेखा देवी मैम, तरुलता मैम, और वाघेला सर, भवानी सर, प्रदीप बलानी सर, समीर सर, शालिनी सिंह सर, सिंह मैम, सुनील कुमार चौधरी सर, विपुल भगासिया सर, और कई सारे ऐसे लीडर है बढ़िया बढ़िया, जिनकी मेहनत की बदौलत आज इतना कारवा खड़ा हुआ है। हमारे शैलेश भट्ट सर, जो डेली लगातार मेहनत करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और वंदन करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत की बदौलत कहीं सारे परिवार में इतनी अच्छी इनकम जा रही है, और ये जानी भी चाहिए, और इतने अच्छे मौके जो मिल रहा है तो हम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा मौका बहुत कम बार मिलता है और बहुत कम लोगों को मिलता है। अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बारंबार नहीं आती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी की जो प्लस पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज दिन तक हम कहीं जगह पर घिस गए, पिस गए, मेहनत की एडी चोटी का जोर लगाया, और कहीं जगह पर ऐसा भी हुआ कि हमारे ऊपर कर्जा भी हुआ। तो इतना कर्जा भी करने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर
मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपनी कैसी है और कैसी होनी चाहिए, तो ये कंपनी में ना कोई कंपनी है, पहले तो ये सुन लीजिए, ये ना कोई कंपनी है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक जबरदस्त पूरी क्रांति है। और ये क्रांति है क्या है, अमीरी बनने की क्रांति है, अमीरी बनाने की क्रांति है। तो ये पूरे विश्व भर में विश्व के लोगों को आप अमीर बना सकते हो, ऐसी पूरी एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई कंपनी नहीं है। दूसरी बात, इस कंपनी में कोई ना एमडी है और ना ही सीएमडी है, इस कंपनी का कोई मालिक नहीं है। आप जब से स्टार्ट करो तब से ये कंपनी आपकी है और आप इस कंपनी के है, ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ और बारम्बार बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम होने का मतलब यही होता है कि आदमी जब से जुड़ता है तब से वहां उसका एक प्लेसमेंट हो जाता है और वो प्लेसमेंट आपको 100% दे रहा है। मतलब यहाँ कंपनी आपको सब कुछ दे रही है, सब कुछ आप में ही बांट दिया है। विद इन हाफ सेकंड में जितना पैसा डाल रहे हो डिवाइड, यानी कि हर एक व्यक्ति के अकाउंट में जा रहा है, जो ग्लोबली है वो ग्लोबली जा रहा है, जो वर्किंग है वो वर्किंग जा रहा है, और एकदम पारदर्शक चीज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही होता है कि सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि मालिकाना हक है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति उसका मालिक है, जो इसमें काम करता है वो उसका मालिक है। इसका मतलब यह है कि एवरग्रीन में आप जुड़े हो तो एवरग्रीन के मालिक आप हो, कोई लेग या मेंटेन नहीं करना पड़ता है, कोई लेग फेग कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई बीवी पीवी की कोई झंझट नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्ट बेचनी है और ना ही खरीदनी है, ना ही घर घर जाके प्लान दिखाना है, और ना ही कोई आईडी बंद होने का डर। कहीं जगह पर आईडी या कंपनी बंद होने का डर है वो तो यहां से निकाल ही दो, क्योंकि यहाँ कोई आईडी बंद होने का डर नहीं है, यहाँ कोई कंपनी बंद होने का डर नहीं है। एक कंपनी लाइफ टाइम चलने वाली है, ये कंपनी लाइफ टाइम हमारे पास है, ये आईडी एक बार ले ली तो लाइफ टाइम हमारे पास वो आईडी रहने वाली है। सिर्फ उसका जो ये ट्रस्ट टॉयलेट होता है, ट्रस्ट टॉयलेट का की संभाल के रखना है और कुछ नहीं करना है। इतना संभाल के रखोगे तो आपको और कोई चीज संभाल के रखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर ना तो कंपनी बंद होने का डर है, ना ही आईडी बंद होने का डर है, ना ही पे आउट से रोकने का कोई डर है। कहीं जगह पर मेहनत अच्छी करने के बाद भी आपका पे आउट, आपका पैसा, आपके पसीने का पैसा रुक जाता है और आपको नहीं मिलता है, यहाँ वो डर नहीं है। सिर्फ घर पर बैठकर भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह सोशल मीडिया से आप अच्छी टीम खड़ी कर सकते हो और एक कारवा खड़ा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि घर में, घर से बाहर निकल के दो रोज भागना है, लेकिन घर पे बैठे भी काम कर सकते हो और फिजिकली भी काम कर सकते हो। दोनों अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। आप इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से उपयोग करोगे और किस तरह से आप आगे बढ़ पाओगे वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। आप कितना सोच सकते हो, आप कितना कर सकते हो, वही आपके ऊपर डिपेंड है, ना ही कि दूसरे किसी और के ऊपर। तो ये अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को समान मिली है, लेकिन करोड़पति वही बनेगा जो इस अपॉर्चुनिटी को सही दिल से संभालेगा और काम करेगा। बाकी तो कई सारे लोग लखपति बनेंगे, कई सारे लोग ऐसे ही रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि ये, कई सारे लोग कमियां भी ढूंढते रहेंगे और कई सारे लोग खूबियां भी ढूंढते रहेंगे। लेकिन जो आदमी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव सोच के हिसाब से पॉजिटिव ही सोचेगा और पॉजिटिव सोच के हिसाब से ही उसमें खूबियां देखेगा, और जो आदमी नेगेटिव है और नेगेटिव खुद की सोच के हिसाब से और नेगेटिव ही देखेगा। आपकी नजर है वही आपको इसकी पारदर्शकता दिखाती है। आप नजर बदलो तो नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सितारे बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आपकी नजर नहीं बदलोगे तो आपको नजर में काला ही दिखाई देगा। काजल को काला मत देखो, उसके आंखी में लगाते तो देखो उसका खूबसूरती अपने आप नजर आएगा, लेकिन काली को काला नजर से देखोगे तो उसको आपको काला ही दिखाई देगा। उसकी खूबसूरती देखनी है तो अपनी आंखों में लगा के देखना पड़ता है। ठीक उसी तरह कोई भी चीज अगर खराब है तो उसकी जगह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ वो अच्छी लगती है, तो वो अपने आप वो खूबसूरत हो जाती है। ठीक उसी तरह इस एवरग्रीन में अगर पॉजिटिव सोच के हिसाब से आप देखोगे तो इस पॉजिटिव सोच के हिसाब से आपको उसकी खूबसूरती अपने आप दिखाई देगी। लेकिन आप इसमें नेगेटिव ढूंढोगे तो नेगेटिव कमियां तो हर एक जगह पर होती है, हर एक जगह पर हर चीज में कमियां होती है, लेकिन कमियां ढूंढने जाओगे तो कमियां मिलेगी। जो जैसा देखेगा वैसा ही उसको मिलेगा और वैसा ही वो पाएगा। पर यहाँ पर
ये पूरी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, ये पूरी लाइफ चेंजिंग जो प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म को मैं यही मानता हूं कि हमें आज के डेट में, आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है वो पैसे की जरूरत है। लेकिन कई सारे लोग ये मानते हैं कि मैं मानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है। अगर पैसा आपके पास है, अगर पैसा आपके पास है तो पैसे की वजह से कई सारे रिश्ते भी आपके पास है, और पैसा नहीं है तो अच्छे रिश्ते भी हमारे नहीं है। क्योंकि पैसे की पहचान है या इंसान की कीमत कोई नहीं, बस के निकल जाए इस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। यहाँ कोई मोहब्बत पैसों के अलावा कुछ नहीं करता। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैसा है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, तो सब कुछ आपके पास है और लोग भी आपके पीछे आगे पीछे घूमने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत इस जगह पर है कि यार सफल होने के लिए, पैसे वाले बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को घिसना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाके मैं अमीर बनता हूं, ये कौन सहन करेगा। तो बिना सहन किए एक पत्थर भी भगवान नहीं बनता, एक जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। अगर पत्थर को भी भगवान बनना है तो उसको तराशा जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसके ऊपर छिनी और हथेड़ा की मार सहन करनी पड़ती है, और एक दो साल बाद एक मूर्ति तैयार होती है, और उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके आगे हर एक व्यक्ति अच्छे से लोग तन्मस्त हो जाते हैं और उसको सिर झुकाते हैं। लेकिन उस मूर्ति बनी इसकी वजह से उसको सिर, उसके सामने सिर झुकाते हैं और उसको अच्छे से, जैसे बोलते हैं, पकवान पिरोसे जाते हैं। वो मूर्ति खाने वाली नहीं है लेकिन फिर भी परोसे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सहन किया। तो एक पत्थर में अगर जान नहीं है फिर भी बेजान चीज भी अगर पूजनीय बन जाती है तो हमारे अंदर जान है, हमारे अंदर वो सब चीज है जो कुदरत ने सबको दिया है, वो सब कुछ चीज है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम ये मानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो एक गलती हमारी है, किसी और की नहीं, ना ही भगवान की है, ना ही अपलाइन की है, और ना ही अपॉर्चुनिटी की। ये गलती हमारी है कि हम मानते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास क्या नहीं है? सब लोगों को भगवान ने 24 घंटे दिए, आपको भी 24 घंटे दिए, दिन का 12 घंटे और रात का 12 घंटे, सबको सेम समान ही दिया है। तो प्रभु ने और कुदरत ने कभी पक्षपात नहीं किया है। अगर कुदरत पक्षपात करता तो कहीं जगह पर आपके घर के ऊपर ज्यादा धूप पड़ती और बाजू वाले अमीर है उसके घर के ऊपर कम धूप पड़ती, ऐसा नहीं है। आपके घर के ऊपर कम बारिश बरसती और दूसरों के घर पे ऊपर, दूसरों के खेत में ज्यादा बारिश बरसती, ऐसा कुछ नहीं है। और बारिश का भी, पानी का रंग भी अलग होता, क्योंकि कुदरत और प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती। मतलब कुदरत ने आपको सबको समान बनाया और सबको समान अपॉर्चुनिटी दी है, सबको समान बुद्धि दी है, सबको समान टाइम दिया है। लेकिन उसका कितना हम उपयोग करेंगे, हमारे जीवन में कितना उपयोग करेंगे, हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए, हमारे फैमिली को और हमारे परिवार को जो सपना पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, वो हमारी सोच के ऊपर और हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर रहता है। ज्यादातर लोग कोशिश ना करने की वजह से ही आगे नहीं बढ़ पाए, कोशिश ना करने से, करने की वजह से ही आगे नहीं बढ़ पाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितने भी लोग आज मेरे साथ हैं, उनमें से सबसे ज्यादा लोग मेरे साथ आज की डेट में करोड़पति बन चुके हैं। मेरी टीम से सबसे ज्यादा लोग, पूरे एवरग्रीन में सबसे ज्यादा लोग मेरे साथ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले लोग करोड़पति बन चुके हैं और करोड़पति बन भी रहे हैं, और आज की डेट में अच्छी से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उसका मतलब ये कि उन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से समझने के बाद आज दिन तक पीछे मुड़के नहीं देखा है। इसकी वजह से ये लोग आज उसकी सफलता की जो है वो वहां तक पहुंचे। इतना ही नहीं, उतना उसका सब कुछ ड्रीम कंप्लीट एक के बाद एक कर रहे हैं। किसी ने मकान लिया, किसी ने बंगलो लिया, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने ज्वेलरी ली, गोल्ड लिया है, तो किसी ने सिल्वर लिया है, बहुत सारे लोग, किसी ने अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए भी प्लानिंग कर ली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इतने सारे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करके, अच्छी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम आज
अमीर बनने का चुनाव नहीं करेंगे, अमीर बनने के लिए नहीं विचारेंगे, नहीं सोचेंगे और नहीं आगे बढ़ेंगे, तो गरीब बनने के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं। जैसे किसी भी सडान के ऊपर गाड़ी चढ़ रही है, हिल स्टेशन के ऊपर गाड़ी जा रही है, तो उसको बहुत ताकत करनी पड़ती है, लेकिन रिवेस लगाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ दो अपने आप आ जाएगी। जिंदगी भी उसी तरह है, अगर आगे बढ़ने के लिए हमने मेहनत नहीं की तो पीछे आने के लिए ब्रेक गियर डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब बनने के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है, अपने आप बन जाता है। गरीब बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज दिन तक किसी भी जगह पर चुना है, किसी भी जगह पर आपने सुना है कि इतने सारे लोगों ने मेहनत करके 10 घर को गरीब बनाया? लेकिन हाँ, इतना जरूर सुना होगा कि कई सारे लोगों ने मेहनत करके इतने सारे लोग अमीर बन गए, कई सारे लोग मेहनत करके अमीर बन गए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव चीज है वो लानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं। इस दुनिया में सब जगह पर नेगेटिव आपको मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। जहां पर पैर रखोगे वहां पर नेगेटिव है, 100% बात है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज दिन तक खेत में कभी घास को बोया नहीं जाता, धान को बोना पड़ता है, धान को खेत करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसको खाद देना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, और उसके आसपास नेगेटिव चीज ना आए उसके लिए उस घास को निकालना भी पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में हर जगह पर नेगेटिव है, आपके आसपास भी लोग नेगेटिव है, लेकिन वहां से आपको पॉजिटिव की ओर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच अपने अंदर लाने के लिए पॉजिटिव लोगों के पास बैठना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। जो अगर एक घास एक धान को 4 महीने का प्लानिंग करके हमें जो हजारों रुपया दे सकता है, तो अगर एक पेड़ को संभालना है तो कई सालों 3-4 साल तक संभालोगे, उसके बाद वो पैसा देगा। लेकिन वहां पर भी नेगेटिव है, वहां पर भी उसको संभाला जाता है। उसको संभालने के बाद आज दिन तक जो बच्चा छोटा होता है उसको बोलना पड़ता है हर बार, बेटा दूध पी ले, दूध अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, तेरे हड्डियों के लिए अच्छा है, तेरे मसल पावर के लिए अच्छा है, तेरे माइंड पावर के लिए अच्छा है, तेरी मांसपेशियां बढ़ जाएगी, बेटा दूध पी ले। आज दिन तक कभी किसी माँ बाप ने किसी फैमिली को 20 साल का लड़का हो जाए उसके बाद कहना पड़ा कि बेटा दारू पी ले? ऑटोमेटिक व्यवस्था है, अपने आप नेगेटिव अपने पास आ जाता है, वो अपने आप सब कुछ सीख जाता है। तो नेगेटिव चीज जो है वो अपने पास खींच के आती है और पॉजिटिव को लाना पड़ता है। हमेशा ये बात माइंड में फिट करके रखिए कि यहाँ पर जो हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो अपॉर्चुनिटी को हम संभालेंगे नहीं तो हमारे पास रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव माहौल में ज्यादा है, मार्केट में नेगेटिव ज्यादा है, लोग नेगेटिव ज्यादा है। हमारे पास जो है वो खरा सोना है, उसको हम संभाल के नहीं रखेंगे तो ठीक उसी तरह जैसे खेत में धान बोया और घर वापस आ गए फिर संभाला नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। संभालना है और जब संभालना है संभालोगे तो तब जाके सब कुछ अपना होगा, लेकिन अपना नहीं मानोगे तो कुछ भी अपना नहीं है। यह सबसे ज्यादा दिक्कत ही उस जगह पर है, लोग नेगेटिव को ज्यादा पकड़ते हैं पॉजिटिव को नहीं। नेगेटिव लोग ज्यादा है, नेगेटिव को ज्यादा पकड़ते। आप सिर्फ पॉजिटिव को पकड़ लो, एक पॉइंट मान लो कि पॉजिटिव पकड़ लो, इससे दूसरी बात मैं कह दूं, दूसरी बात उसके बाद सफल होना है तो अपना मान लो, क्योंकि अपना ही सपना पूरा कर सकता है, ना ही अपना मानोगे तो अपना सपना पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवरग्रीन को अपना नहीं मानोगे तो अपनों को कोई चिंता ही नहीं रहती। जब किसी भी जगह पर किसी भी चीज को मान लो कि ये अपना नहीं है तो वहां अपना कोई चिंता ही नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई संभालना नहीं है। जब से आप इस बिजनेस को अपना मानोगे तब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया ऐसा सोच लो। क्यों? क्योंकि यहां पर अपना मानना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने पैसा इतना लगाया नहीं है, इसलिए वो चीज अपनी लगती ही नहीं है। जब अपना पैसा लगा ही नहीं है तो अपनी चीज लगती नहीं है। आज दिन तक जिसने भी शोरूम बनाया, दुकान बनाई, सुपरमार्केट बनाया, ज्वेलरी शोरूम बनाया, साड़ियों के शोरूम बनाया, गाड़ियों के शोरूम बनाए, जो भी बनाया, जो भी काम किया,
कब किसी ने आ जाके बोला कि चल ये भाई 6 बज गया, उठ जा, तेरी अभी दुकान खोल, ऐसा कहना पड़ा। अब मैनेजमेंट कर, किसको उधारी देना है, किसको नहीं देना है, कब माल खरीदना है, कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, किसी को सिखाना पड़ा, नहीं सिखाना पड़ा, फिर भी लोग वहां सीख जाते हैं, क्योंकि वो अपना मानते हैं। जहां अपना मानते हैं वहां अब लोग मेहनत दिलो दिमाग से करते हैं, और वहां क्या मिलता है वो सबको मालूम है। 40 साल मेहनत करने के बाद भी अगर आदमी करोड़पति नहीं बनता है तो क्या मिलता है वो आप जानते हो। यहां पर आदमी 1.5 साल में भी 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक लोग पहुंच गए। मैं ये प्रूव करके दिखा रहा हूं कि इतने तक लोग पहुंच गए हैं, मतलब 5 करोड़ तक अर्निंग लेना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। 5 करोड़ बोलना, बोलने में भी इतना भारी लगता है कि 5 करोड़ रुपया तक लोग पहुंच गए हैं। लोग 25-50 हजार से लेके 5 करोड़ तक लोग पहुंच गए, इसका मतलब 1.5 साल में, 1.5 साल में, समझ रहे हो मेरे दोस्तों, 1.5 साल में अगर आदमी 1-2 करोड़ भी कमा लेता है पूरी जिंदगी में, 40 साल मेहनत करने के बाद बावजूद भी नहीं मिलता है। 40 साल मेहनत करने के बाद भी अगर एक आदमी 1 करोड़ रुपया कमाया है तो कुछ नहीं कमाया है। उसके जो 40 करोड़ है उसको डिवाइड बाय 1 शेयर करोगे तो सालाना उसकी इनकम हुई कितनी, सालाना कितनी हुई, 2.5 करोड़ रुपया, इससे ज्यादा हुआ। 40 साल मेहनत करने के बाद 1 करोड़ रुपया अगर आदमी ने कमाया है तो सालाना इनकम उसकी 2.5 लाख रुपया हुई, सॉरी 2.5 लाख रुपया कितनी हुई, डिवाइड बाय 1 शेयर 40, तो उसका कितना आता है, सिर्फ 2.5 लाख रुपया सालाना इनकम है, तो मंथली अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 20-22 हजार रुपया आएगा। तो इतने जितना एक आदमी तनख्वाह लेता है उत्तर से ज्यादा कुछ नहीं कमाया है। पूरी जिंदगी जिसके पीछे हमने खपा दी, पूरी जिंदगी जिसके पीछे हमने लगा दी, पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया, जितना भी रिक्स विक्स जो भी है वो भी लगा दिया, फिर भी हम 40 साल मेहनत करने के बाद भी 1 करोड़ नहीं कमा रहे। तो यहां पर आदमी 1 साल में, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, अगर 2 साल में भी आदमी करोड़पति बनता है तो कोई गलत बात थोड़ी ना है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद या तो हमारी देखने में नजरिया में कमी है, या तो हमारी सोच में कमी है, या तो हमारा माहौल कोई खराब है, या तो हमें पूरा समझ में नहीं आया। तो दोस्तों जिन जिन लोगों को यह अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई है वो लोग अपने अपलाइन के पास जाके बैठ जाए, अपनी अपलाइन के सामने जाके बैठ जाए कि भाई साहब मेरे को 1 करोड़ कमाना है, आपको कमाना है या नहीं कमाना है, मेरे को 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, क्या करूं तो मैं 1 करोड़ कमाऊं, उतना बोल के उसके सामने बैठना है कि भाई साहब आप कुछ भी करो, मेरे को 1 करोड़ कमाना है, मैं मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता हूं, आपको जो करना है वो आपकी मर्जी है, वो आपका लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आपका टाइम है, वो मैं आपको आपके बारे में नहीं सोचता हूं, मैं मेरे बारे में सोचता हूं, मेरे को क्या करना पड़े जिसकी वजह से मैं करोड़पति बनूं। तो यहां पर छोटा से छोटा आदमी भी करोड़पति बन सकता है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जब स्टार्टिंग का 1 स्ट्रोक किया था, स्टार्टिंग का, और वो भी थोड़ा सा 0.002 BNB भी उसके पास नहीं था, फिर भी उतना लगा के आज आदमी 4.25 करोड़ तक पहुंच गया। ये प्रूफ है, जिसका नाम है दिलीप सोरठिया, मेरी डाउनलाइन है। तो ऐसे कई सारे लोग मेरी डाउनलाइन है जो आज करोड़पति बन चुके हैं, करोड़ोंपति बन चुके हैं। क्या लगाया था, छोटा सा पैसा लगा था, लेकिन उसके अंदर आग थी, उसके अंदर एक आग थी, एक जलन थी कि नहीं मेरे को कुछ करना है, और उसके ऊपर एक कर्जा भी था 3.5 करोड़ का। आज वो कर्जा समाप्त करके 3.5 करोड़ लोगों को दे के आज लोगों के पास से सामने के उधारी देने के बाद सामने लेने के लिए आज करीबन 200 BNB लोगों के पास मांग रहा है। मतलब इसका मतलब यह है कि आज वो अमीर की कैटेगरी में आ गया है। सिर्फ 1.5 साल में एक आदमी कर्जे में डूबा है जिसका कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके ऊपर 3.5 करोड़ का कर्जा हो तो उसको कोई 20-25 लाख रुपया दे देगा, उसको कोई 2-3 लाख रुपया दे देगा, नहीं देगा। लेकिन हाँ, उसके खुद के ऊपर भरोसा था, लोग दुनिया भरोसा करे चाहे ना करे, लेकिन मेरे को मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं करोड़पति बन सकता हूं। ठीक उसी तरह आदमी को अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। दुनिया उसके ऊपर भरोसा उसके बाद करती है,
पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आदमी के चाहे कुछ भी कर ले, उसके परिवार के लोग भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। पहले तो वो देखना जरूरी है कि हम हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस 100% है, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, 100% श्योर है। तो उसके बाद पहला कंप्लीट होता है, दूसरा उसके बाद चालू होता है, दूसरा उसके बाद चालू होता है। मार्केट में जाके जब आपकी आवाज निकलेगी वो कॉन्फिडेंस वाली निकलेगी। चल सामने वाले को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुम्हारे सामने कि नहीं यार कर, मेरे को भी करोड़पति बनना है। जब सामने वाला कब झुकेगा, जब आपके अंदर आपके शब्द और आपके जो समझाने की जो ट्रिक होती है उसके अंदर जो ताकत होती है, आपके शब्द के अंदर आपकी जो आवाज होती है उसके अंदर ताकत होती है, वो ताकत बोलती है सामने वाले के दिल के छू लेती है, उसके दिमाग में बैठ जाता है तुम्हारा शब्द, तुम्हारा प्लान उसके दिमाग में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। जब कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो ना, तब अच्छे अच्छे लोगों को, करोड़पति लोग भी होते हैं ना, उसको सुनना पड़ता है कि नहीं यार वाकई में इसमें कुछ दम है, वाकई में इस प्लान में दम है, मेरे को सुनना पड़ेगा कि आज मैं इतनी साल से मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आज करोड़पति के कैटेगरी में आया हूँ, लेकिन ये 3 महीने में यहाँ मेरे सामने आके बैठ गया है, तो कुछ ना कुछ तो दम है इसमें। जब आदमी अपने को सही तरह से सुनता है ना, उसके बाद उसके दिमाग में प्लान बैठता है और उसके बाद वो क्लोजिंग होती है। प्लान समझाना और क्लोजिंग करना दोनों बात में बहुत बड़ा अंतर होता है, और वो अंतर को कम करने के लिए, उसको उस डिफरेंस को कम करने के लिए वहां पर हमें जरूरी है हमारा कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस कंप्लीट कब होता है, कब होता है कॉन्फिडेंस कंप्लीट? जब पूरे प्लान को, पूरी टेक्नोलॉजी को हम समझ लेते हैं, पूरा का पूरा डीप में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बिना जानकारी, आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा रिएक्शन लाता है, एक्शन नहीं लाता, रिएक्शन लाता है। रिएक्शन लाता है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो ये जो पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरा ज्ञान लेने के बाद जब आप मार्केट में उतरते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी, वो मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूँ। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपके कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आप जानकारी ले लेते हो तो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस है वो 100% हो जाता है, 100% हो जाता है। और 100% कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको कोई रोक नहीं पाता है। वो भगवान भी आपको तब साथ देगा जब आपका विश्वास आपके पास होगा। आपके पास आपका विश्वास नहीं है तो भगवान आपका कुछ भला नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्वास आप किसी ना किसी जगह पर मन्नत रखते हैं। मन्नत का मतलब क्या है कि अगर ये मेरा लड़का बीमार है अच्छा हो जाए, अगर ये मेरे मेरी गाड़ी आ जाए, मैं आपको 2 नारियल चढ़ाऊंगा या तो आप वहां पैदल चल के आऊंगा। तो मन्नत का मतलब क्या है? मन्नत का मतलब भी तो विश्वास है। मन्नत का मतलब ही और कुछ नहीं है, मन्नत रखना मतलब विश्वास रखना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना। हम उसके सामने सिर झुकाते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि हम विश्वास है। कहां पर है विश्वास? है वहां पर है, लेकिन हकीकत भगवान के ऊपर विश्वास है। उससे ज्यादा विश्वास हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। विश्वास जब बढ़ता है तो अपने आप क्या होता है, विश्वास बढ़ता है तो श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ती है तो समर्पण आता है। जब विश्वास नहीं बढ़ता है तो श्रद्धा नहीं बनती है, श्रद्धा नहीं बनती है किसी भी जगह पर तो समर्पण नहीं आता है, और समर्पित होने के बिना कभी भी आदमी सक्सेस नहीं बनता है। मेरी बात आज कान खोल के आप सब लोग सुन लीजिए, किसी भी जगह पर अगर शिखर के ऊपर पहुंचना है और सफलता पानी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास लाना पड़ेगा, विश्वास के बाद श्रद्धा जगानी पड़ेगी जिस कंसेप्ट के ऊपर, उसके बाद समर्पित होना पड़ेगा 101%। मैं एवरग्रीन से समर्पित हूं तो मेरे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी जगह पर गलत नहीं कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है, इस प्लेटफॉर्म वो चीज आपको दे दिया है, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा दिया है उमेश कुमार ने, और इतना अच्छा दिया है कि आप ही लोगों में 100% डिवाइड हो रहा है, कंपनी के पास कुछ जा ही नहीं रहा है। तो पहले तो अपना डर है वो ऐसे ही निकल जाता है कि कंपनी के पास कुछ नहीं जा रहा है, कंपनी ने हमको सब कुछ दे दिया है, सब हमारे हाथ में है, और उसी टाइम दे देता है, कहीं जगह पर होल्ट नहीं होता है। 1 रुपया भी, 1 पैसा भी, 0.01 BNB नहीं, 0.005 BNB भी होल्ट नहीं होता है। उसी टाइम ग्लोबली है वो ग्लोबली चला जाता है, और वर्किंग है वो वर्किंग चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100%
डिवाइड है और 100% डिसेंट्रलाइज है और 100% विश्वसनीय है। 100% कब बोला जाता है कि उसमें एक थोड़ी सी भी क्षति ना हो, थोड़ी सी भी कोई गलती ना हो। और आज दिन तक 1.5 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म में एक छोटी सी भी गलती नहीं हुई है, एक आदमी का एक 0.01 भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी विश्वास की बात होती है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, वो भी अपना नसीब समझ लो, ये नसीब बार हर व्यक्ति को नहीं मिला है। ये यहाँ 350-360 लोग ही है। क्यों क्यों 360 लोग ही है? क्योंकि आप नसीब वाले हो, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इससे नसीब की बात और क्या हो सकती है? नसीब और भाग्य यही बात होती है कि हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। इससे बड़ी नसीब और भाग्य की बात दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। यही तो सबसे बड़ी भाग्य की बात होती है कि अपना भाग्य हमें साथ दे रहा है, हमारा दरवाजा खटखटा रहा है कि अरे भाई खोल तेरा दरवाजा, मैं आ गया हूँ, मैं लक्ष्मी जी आई हूँ तेरे घर में, और तू उसका तिलक करके ले ले। लेकिन मुंह धोने के लिए चले जाएगा तो उसको मुंह धोता ही रहेगा पूरे जिंदगी। कई सारे लोग अपॉर्चुनिटी आती है तो वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटी में भी मुश्किल ही ढूंढता है। जो आदमी तक मिलता है ना, तक में मुश्किल ही गोतता है, वो तक में मुश्किल ही ढूंढता है ना, वो आदमी मुश्किल में ही जिंदगी गुजारा करता है। और जो आदमी मुश्किल में तक ढूंढता है, वो आदमी चोटी के ऊपर पहुंच के ही रहता है। आदमी मुश्किल चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, लेकिन वहां पर भी तक ढूंढ लेता है, वहां पर भी मौका ढूंढ लेता है, वो आदमी 101% शिखर के ऊपर जाके ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम है। वो कुदरत उसका साथ देता है जो आदमी खुद के ऊपर भरोसा रखता है, कुदरत उसका साथ देता है जो आदमी विश्वास करता है, कुदरत उसका साथ देता है जो आदमी के ऊपर जो आदमी श्रद्धा रखता है, समर्पित हो जाता है। और किसी ना किसी जगह पर समर्पित होना जरूरी है। बिना समर्पित किए, बिना कुछ किए कुछ मिलता ही नहीं है, बिना कुछ किए तो मौत भी नहीं मिलती है, वहां पर भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यह जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और बहुत कुछ करने के लिए करने का बाद भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलेगा। जो जितना भी जो भी चाहो वो आपको मिलेगा, लेकिन वो पाने के लिए आदमी सबसे ज्यादा क्या करता है, जिंदगी हमें क्या देती है, जिंदगी हमें गारंटी या वारंटी कुछ नहीं देती है, जिंदगी सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी देती है। जिंदगी हमें गारंटी और वारंटी कुछ भी नहीं देती है, जिंदगी हमें अपॉर्चुनिटी देती है। जो पॉजिटिव है वो विनर बनेगा, और जो नेगेटिव है वो लूजर बनेगा। अभी आपके ही हाथों में है। तुम यूं ही सोचते रहोगे तो लोग अपना रास्ता बनाते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तुम यही टालते रहोगे तो लोग अपनी अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ बदलते रहेंगे। तुम यूं ही नेगेटिव विचार से सोचते रहोगे तो आपका विचार नेगेटिव से ही भरा रहेगा, लेकिन लोग अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया कभी भी आज दिन तक किसी का इंतजार नहीं किया, दुनिया में आज दिन तक किसी का किसी ने इंतजार नहीं किया। इंतजार करने वाले लोग ऐसे ही इंतजार करते रहते हैं और लोग आगे निकलते ही रहते हैं। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी, इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी अगर आदमी ये बोलता है कि मेरे को ये करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तकलीफ लेनी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, अमीर बनने के लिए इतना भी कुछ करना पड़ेगा, तो मेरे दोस्तों गरीब रहने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। कितना सहन करना पड़ता है? अमीर बनने के लिए अगर एक बार मेहनत करनी पड़ती है, एक बार लोगों के घर जाना पड़ता है, एक बार मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पहले लोग ये कहते थे कि 1000 दिन एक जगह पर टिके रहो तो जख मार के सफलता आपके पैरों में होगी। लेकिन आज की डेट में 21वीं सदी में मैं इतना कहता हूं कि अगर 100 दिन 100 डे आपने दिल से एक जगह पर मेहनत कर ली 100 डे तो जख मार के सफलता आपके चरणों में होगी। लेकिन वो तलब होनी चाहिए। कैसे तलब होनी चाहिए? जैसे जैसे किसी वीरान जगह में एक आदमी खड़ा है और उसको बीड़ी का बंधानी, बीड़ी जैसे पीते पिस्टल सिगरेट वगैरह, और उसका वो नशा लेने का आदि है, लेकिन वहां पर वीरान जगह में तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी तलब ऐसी होती है कि आधे घंटे में बीड़ी उसके शरणों में होती है,
क्योंकि उसकी तलब ऐसी है। एक आदमी डूब रहा है, मर रहा है, लेकिन उसको उस टाइम एक एक सांस इतनी कमती कीमती लगती है कि जैसे मेरे को कोई बसा ले, और उस टाइम एक आधी सेकंड में कोई आदमी बसाता है, और उसको जीने की और बचने की जो तीव्र इच्छा होती है, वो इच्छा हमें सफल होने के लिए होती है, तब जाके हमें सफलता हमारे शरणों में होगी और जख मार के आए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि यहाँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसके साथ साथ मेरी टीम में मेरे साथ 40 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। आधा करोड़ का तो जो 50-100 आदमी है, लेकिन 40 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो इसमें से आपका नाम भी हो सकता है, आप भी उस लाइन में हो सकते हो, आप भी वहां से जा सकते हो, आप भी इससे आगे निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ मेहनत जितना करेगा उतना ही पैसा उसको मिलेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। हर बार हर दिन ये लोग समझाते हैं जूम मीटिंग में, और लास्ट में जो पेज दिखाते हैं लास्ट में, उसमें दिखाते हैं कि करोड़ रुपया कमाने के लिए कितने आदमी डायरेक्ट करने चाहिए, दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? हर दिन दिखाते हैं, हर दिन बताते हैं, हर दिन लोगों को दिखाया जाता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है सही तरह से, सुनते नहीं है। अरे यार इसमें सुनो, कितने डायरेक्ट करने से क्या मिलता है, कितने डायरेक्ट करने से कितना पैसा इंस्टेंट मिलता है, वो तो दिखाया ही जा रहा है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, देखते नहीं, सही कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और सही कैलकुलेशन नहीं होने की वजह से हमारे दिमाग में सही बैठता नहीं है। अगर सही कैलकुलेशन हमने की होती तो आज दिन तक कई सारी कंपनियों में कई सारे कारवे खड़े कर दिए हैं, कई सारी कंपनियों में कई सारे कारवे खड़े कर दिए, लेकिन वहां पर तो कुछ हमें मिला नहीं है, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला है। तो यहां पर मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने सिर्फ चार आदमी चार बंदे डायरेक्ट कर दिए 13 स्लॉट वाले, तो 111 BNB, 111 BNB मतलब आज की डेट में 600+ चल रहा है, मतलब कितना होता है मालूम है? 60-70 लाख रुपया अगर चार आदमी को बनाने से 60-70 लाख रुपया हमारी जेब में आ रहा है, हमारी जेब में तुरंत आ रहा है, तो वेट किस बात की है, इंतजार किस बात का है? वो इंतजार क्यों कर रहे हैं वो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है, क्यों हम इंतजार कर रहे हैं भाई साहब? हमें इंतजार करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जब हमारे हाथ में ही सब कुछ है तो इंतजार किस बात का है? हम किसकी राह देख रहे हैं? कोई आके आपको जेब में पैसा डाल के नहीं जाएगा, कोई आके सामने से आके आपको नहीं बोलेगा कि ले चल भाई मेरा 12 स्लॉट कर ले, मैं तेरे इंतजार में हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म किए बिना कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए तो संत तुलसीदास ने कई सालों पहले रामायण में लिख दिया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही, पूरे विश्व में कर्म किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, हर एक आदमी को कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म किए कुछ मिलता ही नहीं है। तो कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ऐसा नहीं है आज ही मिलेगा, अभी मिलेगा और इसी वक्त मिलेगा। पहले का जमाना था कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ये पूरा पुराना बिलीव तोड़ना पड़ेगा, पुराना पुराना बिलीव है वो अभी नहीं रहा है, अभी तो कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अभी मिलेगा और इसी वक्त मिलेगा, इंतजार करने की तो जरूरत ही नहीं है। कई सारे पुराने बिलीव है, सफल होने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अरे भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना कुछ नहीं है, क्या खोना है, क्या खोना है, क्या खो दोगे आप? अरे 1,000 रुपया से आदमी स्टार्ट करके करोड़पति बन रहा है तो खो क्या दोगे आप, क्या खोएंगे हम? अगर 5-25 हजार रुपया या तो 5-25 लाख रुपया लगा के अगर हम कर रहे हैं, तो आज 5-25 लाख रुपये में चाय का किटली भी नहीं बनता है और पानीपुरी का थैला भी नहीं बनता है। आज के दिन में अगर कुछ ना कुछ बिजनेस करोगे तो 5-25 लाख का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ अगर 1-2 लाख लगा के भी हम हमारा करियर बना रहे हैं, हमारी जिंदगी बना रहे हैं, हमारा सपना पूरा कर रहे हैं, तो इसमें और क्या बात हो सकती है? इतनी अच्छी बात है कि एक आदमी चाहे तो सिर्फ चार आदमी को लेके चले तो भी आदमी करोड़पति बन सकता है। उस चार आदमी की जगह
अगर उन्होंने चार आदमी की जगह अगर उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, आठ आदमी लगा दिया, तो क्या होता है? आठ आदमी अगर लगे दिया तो उससे भी दुगना हो जाएगा तुरंत, सही बात है, 1 करोड़ रुपया तुरंत आ जाएगा। लेकिन 1 करोड़ रुपया 8 आदमी को वहां पहुंचाने से 1 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि 222 BNB होता है, 222 BNB इंस्टेंट मिलने वाली, मैं वर्किंग इनकम की बात कर रहा हूँ, नॉन वर्किंग की नहीं। 222 BNB कमाने के लिए सिर्फ 8 आदमी को वहां तक पहुंचाना है। अगर वही चीज 16 आदमी की कर दी तो कितना होगा? 444 BNB, उसी टाइम मिलने वाली बात कर रहा हूं, मैं इंतजार करने वाली बात नहीं कर रहा हूं। 2 करोड़ से ज्यादा, 2.5 करोड़ रुपये कमाने के लिए 16 आदमी साथ में लेके चलना है। तो यहां पर आदमी को सिर्फ सोचना है कि पूरी दुनिया में 140 करोड़ तो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है, दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा लोग है, और हमारा रॉ मटेरियल है सिर्फ लोग। लोगों की कमी नहीं है, सोचने वालों की कमी है। कमी लोगों की नहीं है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में सोचने वालों की कमी है, कम नसीबी है हिंदुस्तान की कि लोग बड़े सपने भी नहीं देखते, सपने देखने का भी डर लगता है। अरे इतना डरते क्यों मेरे दोस्त? सपने डरने में, सपने देखने में तो पैसा नहीं लगता है, पैसा तो लगता है अगर कोई कुछ खरीदारी करोगे, या तो सपना देखना है और पूरा करना है। अगर उसने उसमें भी डर लग रहा है तो कमी तो हमारे में है, कमी किसी और में नहीं है। तो ये कमी हमें ढूंढनी है, हमारी कमी हमें ढूंढनी है, हमारी कमी को हमें पूरा करना है। ये कमी हमारे अंदर है, क्यों है? क्योंकि आज दिन तक हमने अपने आप के उस पर विश्वास नहीं किया है, बिलीव ही नहीं किया कि मैं करोड़पति बन सकता हूं। जब बिलीव ही नहीं किया है तो बनोगे कैसे? क्योंकि किसी ना किसी जगह पर आपको पहले बिलीव करना जरूरी होता है, विश्वास करना जरूरी होता है। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तब तक आप उस दिशा में दौड़ोगे ही नहीं, और जब तक आप उस दिशा में दौड़ोगे नहीं तब तक आपकी जो दिशा कंप्लीट नहीं होगी तो दशा नहीं बदलेगी। जब दिशा कंप्लीट होगी तो दशा अपने आप बदल जाती है। दिशा कब कंप्लीट होती है? कि जब बिलीव होता है, बिलीव होने के बाद एक टारगेट बनता है कि नहीं यार मैं वाकई में ये कर सकता हूं और इतना कर सकता हूं। तो ये जो कंप्लीट होता है ना हमारे दिमाग के अंदर, उसके बाद हमारी दिशा कंप्लीट होती है कि नहीं इस तरफ मेरे को दौड़ना है। जब दिशा की ओर दौड़ोगे तो दिशा की ओर दौड़ोगे तो अपने आप अपना टारगेट कंप्लीट होगा, आज नहीं तो कल 100% होगा। क्योंकि दिशा की ओर दौड़ता है आदमी, चल के किसी ना किसी जगह पे, कहीं जगह पे ऐसा होता है कि आदमी चलते पैदल चल के रामदेवरा जाता है, पैदल चल के खाटू श्याम जाता है, पैदल चल के वैष्णो देवी जाता है, पैदल चल के अमरनाथ जाता है। लेकिन पहले तो तय तो करता है, नक्की करता है, एक कंप्लीट करता है, अपने आप के ऊपर विश्वास करता है, बिलीव करता है कि नहीं यार मैं पैदल चल के इस जगह पर जा रहा हूं। तो वहां पर वो दिशा बन जाती है, और दिशा बनते है उसके बाद आदमी उस दिशा की ओर दौड़ लगाता है, तो आज नहीं तो कल वहां उस मुकाम तक पहुंचता है। लेकिन हम यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारी कमियां यही रही है कि हम अमीर क्यों नहीं बने, क्योंकि हम पहले तो बिलीव नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते तो विश्वास तो आता ही नहीं है, और विश्वास नहीं आता तो श्रद्धा नहीं आती। तो पहले बिलीव करना जरूरी है कि नहीं वाकई में मेरे को 4 लोग मिलेंगे और 100% मिलेंगे। एक मुर्दा आदमी को, एक लावारिस लाश को 4 कंधे देने वाले और एक धोनी उठाने वाला भी मिल जाता है, तो उसको भी 5 आदमी मिल जाता है। जब आदमी मुर्दा है लावारिस लाश को, तो हम जिंदा आदमी है। अगर हमें जो 4 आदमी नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नक्की करना है और किसी और को नहीं नक्की करना है, किसी और को नहीं नक्की करना। दुनिया नक्की करके नहीं देगी कि आपको क्या करना है, हाँ लेकिन समय जरूर तय कर लेगा कि आपका क्या करना है, आपको क्या करना है वो आज आपको ही नक्की करना है कि मेरे के ऊपर इस दुनिया में 4 आदमी भरोसेमंद मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो 101% आपके सामने आपकी अपॉर्चुनिटी है, और आप 110% आप करोड़पति बनोगे। तो ये तय करना आपको, आप पहले नक्की कर लो, पहले आप तय कर लो कि आपको क्या करना है, बाकी समय तो तय करके बैठ ही चुका है कि आपका क्या करना है। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता कि किसका क्या करना है, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ब्रेक गैस डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाती है। आज दिन तक आप और मैं आगे नहीं बढ़े हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने उस तरह की मेहनत नहीं की, इतना विश्वास नहीं किया, इतना आगे बढ़ने का कोशिश नहीं किया।
और सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम। ये संघर्षों का मैदान है, छोड़ मत भागो तुम। उस किए बिना जय कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश से हमेशा कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। कई सारे लोग सिर्फ वादे के भरोसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वादा कर देते हैं। वो किसको वादा करते हैं? वादा करते हैं, झूठे वादे मत करो, कमिटमेंट करो तो 100% करो। झूठे और झूठे वादे करने से कभी सफलता नहीं मकर बनती। कोशिश से हमेशा कामयाब होती है, क्योंकि वादा करने के बाद कोशिश करनी पड़ती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश तो करो, क्योंकि जिंदगी आपकी ये बनानी आपको है। जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजा ही निकला जाता है। जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजा ही निकलता है। तो ये जिंदगी हमारी है, और अपने दम पे जीने का हौसला रखो। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म मिला है, आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत नसीब वाले हो कि आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं सिर्फ यहाँ पर वर्किंग की ही बात कर रहा हूँ, नॉन वर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉन वर्किंग तो अपना बोनस है, और जब आएगा तब आएगा। लेकिन चार आदमी के ऊपर आपने भरोसा कर लिया, चार आदमी ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया, तो आप यहाँ पर पहले तो चार आदमी को वहां पहुंचोगे, 111 BNB मिलेंगे। लेकिन उस चार को चार चार करवा दो यार, उसको भी सक्सेस होना है, तो वहां से आपको और 111 BNB मिलेंगे। लेकिन उस 16 आदमी को भी चार चार करवाओगे तो वहां से आपको 468 BNB मिलेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ दोस्तों के 600 से ज्यादा BNB, मतलब ये काम आपने पहला काम 6 महीने में किया, चार आदमी को कंप्लीट करना, दूसरा चार को 16 करने के लिए और 6 महीने से 1 साल लगा दिया, 1.5 साल हो गया, और उस 16 आदमी को चार चार करने के लिए, आपका पूरा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, उस 16 आदमी को चार चार करने के लिए आपने और 1.5 साल लगा दिए, मतलब 3.5-4 साल में अगर आपके पास, आपकी जेब में, आपके वॉलेट में 650 से ज्यादा BNB आ रहा है, 650 से ज्यादा BNB आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आज की डेट के हिसाब से आप 4 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो। अगर 4 साल में 4 करोड़ से ज्यादा आप कमा रहे हो, तो मतलब सालाना आपकी इनकम 1 करोड़ होती है। 1 साल की 1 करोड़ इनकम किस जगह पर मिलने वाली है देख लेना, अगर कहीं मिलने वाली है तो मेरे को भी बता देना मेरे दोस्तों, मैं भी आ जाऊंगा, 100% श्योर है। और इतना काम करने से मिल रही है, इतना काम करने से मिल रही है, मैं जो बोल रहा हूँ उतने आदमी को जोड़ने से मिल रही है, उतने आदमी को आगे लेना ले जाने से मिल रही है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, इससे भी ज्यादा मिल रही है तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। लेकिन आज दिन तक मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, आज दिन तक मैंने किसी भी जगह पर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा, और इतना अच्छा, इतने जल्दी पैसा देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इतना अच्छा सिस्टम नहीं मिला। 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस, मैं घिसा हूँ, मैं पिसा हूँ, मैं कई जगह पर कर्जा भी किया है, मैं कर्जे में डूब भी गया था, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से बाहर निकला हूँ। आज जो भी बोल रहा हूँ, आज जो भी कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, जो भी मेरे अंदर ताकत है, वो एवरग्रीन की वजह से। तो इस एवरग्रीन को मेरे, एवरग्रीन ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैंने एवरग्रीन को कुछ नहीं दिया है, एवरग्रीन ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि एवरग्रीन मेरी जरूरत है, एवरग्रीन को मेरी जरूरत नहीं है, एवरग्रीन को मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत एवरग्रीन है। इसलिए मैं इतनी चाहत और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि एवरग्रीन ने मेरे को सब कुछ दिया है जो आज दिन तक मैंने किसी जगह पर नहीं पाया है। तो वो सब कुछ आप भी ले सकते हो, आप भी मेरे से ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि आपके पास मेरे से ज्यादा एजुकेशन है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज है, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो एजुकेशन भी नहीं है। आई डोंट नॉट इंग्लिश, आई एम नॉट एजुकेटेड, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई एम से पॉसिबल। हर एक चीज पॉसिबल है अगर आदमी चाहे तो, हर एक चीज अपने आप में पॉसिबल है, लेकिन आदमी की चाहत होनी चाहिए। क्यों आदमी की चाहत नहीं है? चाहत नहीं होने की एक सबसे बड़ी वजह है कि आदमी खुद के बारे में कभी सोचता ही नहीं, पूरी दुनिया के बारे में सोचेगा आदमी, हर एक के बारे में सोचेगा आदमी, मोदी साहब के बारे में सोचेगा आदमी, क्रिकेटरों के बारे में सोचेगा आदमी, की सोच हर एक जगह पर लगती है, लेकिन खुद के ऊपर, खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। आधा घंटे बैठना आराम से, मोबाइल को स्विच ऑफ करना, उसके बाद सोचना कि यार ये मेरी जिंदगी है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, भगवान ने मेरे को क्या करने के लिए भेजा है, और मेरे को क्या करना है,
मेरे को क्या करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को करोड़पति बनना है या नहीं बनना है। मेरे को करोड़पति बनना है तो अंदर से अगर आवाज आए कि हाँ यार मेरे को करोड़पति बनना है, तो आप लग जाना। अंदर से आवाज आए कि हाँ यार मेरी जरूरत है, तो लग जाना। अंदर से आवाज आए कि हाँ यार मेरे परिवार की भी जरूरत है, क्योंकि जिस परिवार का मैंने निर्माण किया है, जिस चीज का आदमी जो निर्माण करता है ना, उसकी जिम्मेवारी बनती है। जिस परिवार का मैंने निर्माण किया, मतलब मैंने शादी की है तो मेरी बीवी, मेरी बीवी मेरी जिम्मेवारी है। मैंने बच्चे पैदा किया तो वो मेरी जिम्मेवारी। मेरे माँ बाप है जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, तो वो मेरी जिम्मेवारी। तो ये सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं मेरी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, उसके सपने पूरे करने करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि मेरे बारे में सोचता है आज, मेरे को मेरे बारे में सोचता है, किसी और को बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। नहीं अड़ोसी, ना पड़ोसी, ना सगा, ना वाला, ना साला, ना साली, ना बहनोई, ना बनेवी, ना भाई, ना भाभी, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ सोचना है तो मेरा फैमिली के बारे में सोचना है, मेरे बारे में सोचना है। जब मैं मेरे बारे में आधा घंटे सोचूंगा, उसके बाद मैं तय करूंगा कि नहीं यार ये चीज मेरी जरूरत है, नहीं यार वाकई में मेरी जरूरत है, तो मैं अपने आप उस दिशा के तरफ दौड़ूंगा और वहां पर दिल से काम करूंगा। और आदमी जिस जगह पर दिलो दिमाग से लग जाता है ना, तो दिलो जान से आदमी जब लगता है ना, तो सफलता तो उसके चरणों में होती है। सफल होने के लिए हमेशा एक ही चीज करना पड़ता है कि आदमी दिल से लगना पड़ता है। सिर्फ दिल से लगोगे तभी तो सफलता मिलेगी। दिल से काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दिल से काम नहीं करोगे तो आपके पास सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देगा। जब दिलो दिमाग से काम करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। एक के बाद एक आदमी दिखाई नजर आने लगेगा, एक के बाद एक आदमी अच्छा नजर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अपने अंदर अपने आप के ऊपर विश्वास किया है। तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बोलू तो बहुत सब कुछ बोल सकता हूँ। इतना अच्छा है अपॉर्चुनिटी, आप अपने आप देख भी सकते हो, इसका स्मार्टफोन कॉन्टैक्ट देख सकते हो, इसका कॉन्टैक्ट वेरीफाइड देख सकते हो, इसका जो बीएनबी अर्निंग करने की बात है तो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का करेंसी हम अर्न कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं। इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि हम बीएनबी कमा रहे हैं। बीएनबी अपने आप में वो ताकत है कि अगर किसी भी टोकन टोकन बन जाए, टोकन मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और बीएनबी की चेन के ऊपर बन जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। किसी भी टोकन अगर बीएनबी के एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाए तो 0.01 का $100 तक चला जाता है। ताकत तो देखो कि हम किस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अरे आप सोने से भी ज्यादा महंगी चीज को आप कमा रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और आप दूसरी और जगह पर देख रहे हो। तो गलती तो हमें है, किसी और में तो है ही नहीं। दिखाने वाले को बार बार सैल्यूट कीजिए, आपको जिसने समझाया उसको भी बार बार सैल्यूट कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना अच्छा मौका दिया है बीएनबी अर्न करने का। बीएनबी खरीदारी करने के लिए अमीर लोग भी गरीब बन जाएंगे, खरीदारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 500 बीएनबी खरीदने के लिए जाएगा तो आज की डेट में 3 करोड़ से ज्यादा लगे। लेकिन आदमी चाहे तो 500 नहीं 5000 बीएनबी अर्न कर सकता है, ऐसा मौका आपके पास है। 500 नहीं 5000 बीएनबी मैं बोल रहा हूँ, आप कान खोल के सुन लो, और मैं 1000 बार बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, क्योंकि एक आदमी बारंबार आपको बीएनबी अर्न करके देगा। एक आदमी एक स्लॉट से लेके चालू करोगे 13 स्लॉट तक 13 बार ही बीएनबी देगा, ये एक बार नहीं देगा। और जितना बार पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, फिर देगा, पूरी उसके नीचे डाल दिया, उसके नीचे और दिया, तो हर बार बारंबार 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 ऐसे रिसाइकल होते होते भी आपको कहीं बार पैसा देगा। एक आदमी अगर आपने बना लिया तो एक आदमी 1 करोड़ का भी है आपके लिए। एक आदमी अगर सही ढंग से डेवलप किया तो एक आदमी 5 करोड़ भी आपको कमा के देगा। लेकिन एक आदमी के पीछे अगर एक आदमी की वैल्यू समझोगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आपके पास आएगा। आदमी कमाना सीख जाओ कि आदमी को कंप्लीट बनाना सीख जाओ, एक आदमी को लीडर बनाना सीख जाओ, आप वही देखो कि ये आदमी एक बार मेरे साथ आया है तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं उसके साथ लग जाऊं, और उसका पूर्ण विश्वास मेरे साथ हो तो 101% उसके जेब में पैसा आएगा, तो आपकी जेब में ऑटोमेटिक आएगा। किसके पास मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने से भिक्ख मिलती है, कर्म करने से पैसा मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मांगने से सिर्फ भिक्ख मिलती है, और भिक्ख में सिक्के मिलते हैं, नोट नहीं मिलती है मेरे दोस्त। और कर्म करने से वो चीज मिलती है, वो चीज हासिल होती है,
कि जो आदमी चाहता है उसे कई गुना मिलता है। मेहनत तब तक करो, सफलता तब तक करो कि महंगी चीज भी सस्ती ना लगने लग जाए। तब तक मेहनत करो, सफलता उसको बोलते हैं कि महंगी से महंगी चीज भी आपको सस्ती लगने लग जाए। तब तक मेहनत करो, आज मौका मिला है ये बारंबार नहीं मिलता है, आज मौका मिला है ये बारंबार नहीं मिलता है और मिलने वाला भी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतनी पारदर्शी सिस्टम आपको हर बार नहीं मिलेगी और हर जगह नहीं मिलेगी, ये मैं 101% कहता हूँ। दोस्तों आज कई सारे लोगों को भी सुनना है, मैं तो वैसे भी 2-3 घंटे तक आपको अच्छी स्पीच भी दे सकता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी दे सकता हूँ। ये पूरा मेरा जर्नी यहाँ से एक जीरो से लेके यहाँ तक पहुंचा है। जीरो से मतलब जीरो से भी माइनस था, जीरो से भी माइनस था, वहां से लेके एक अपर तक पहुंचाया है ये एवरग्रीन ने। तो एवरग्रीन के बारे में मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर दोस्तों जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो प्रैक्टिकल ही होता है। प्राथमिक सिर्फ जानकारी होती है, जानकारी से दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता है। जानकारी तो कई सारे लोगों के पास, मोदी जी से भी अच्छी है, कई सारे लोगों के पास अंबानी से भी अच्छी है, कई सारे लोगों के पास अदानी टाटा उससे भी अच्छी है, लेकिन वो वहां नहीं है। कई सारे लोगों के पास एक्टिंग भी अच्छी है अमिताभ जी से भी, कई सारे लोगों के पास जो बैटिंग भी अच्छी होगी, शायद बॉलिंग भी अच्छी होगी, शायद एक्सपीरियंस भी हो, जानकारी भी अच्छी होंगी, गलतियां भी निकालते होंगे, लेकिन जानकारी से कुछ नहीं होता है। पैसा हमेशा प्रैक्टिकल में होता है। पैसा कहाँ है? प्रैक्टिकल में। जानकारी दुनिया भर की रख लो और उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल में ही पैसा है। जब आदमी जाता है प्रैक्टिकल तो पैसा प्रैक्टिकल में है, और प्रैक्टिकल में जो पैसा है वो आनंद ही कुछ और है, उसका मजा ही कुछ और है। तो थैंक यू सो मच अब तक तो मेरे को सुना, और मैं बारंबार आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, ये मेरे पूरे परिवार को, हमारे पूरे एवरग्रीन फैमिली को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर कोई मेरी गलती रह गई हो तो मेरे को क्षमा करें।